अब बड़ी खबर दिल्ली से, जहां कांग्रेस की आज अहम बैठक होगी। जी हां, शेष 6 सीटों पर मंथन होगा, जिसमें सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, श्रीगंगानगर, झालावाड़, बारा सहित जयपुर ग्रामीण के उम्मीदवारों पर चयन होना है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें सीएम गहलोत सहित डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, श्रीगंगानगर सहित झालावाड़, बारा सीट पर मंथन होगा। और साथ ही आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण के उम्मीदवार चयन पर भी मंथन होने वाला है। शेष 6 सीटों पर आज मंथन होगा और 6 बजे ये अहम बैठक कांग्रेस की, जिसमें सीएम गहलोत और साथ ही सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। बेहद आपको बता दें कि कांग्रेस की ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि शेष 6 सीटों पर मंथन होगा और जयपुर ग्रामीण सहित उम्मीदवारों के जो चयन है उस पर मंत्रणा की जाएगी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, ये बताएं कि ये जो 6 अब सीटें रह गई हैं, क्या इन पर मौजूदा मंत्रियों को उतारा जा सकता है? जी बिल्कुल, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और बैठक 12:30 बजे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस के वॉर रूम में ये बैठक फिर से बुलाई जाएगी। मुख्यमंत्री इस बैठक के लिए अभी भी दिल्ली में रुके हुए हैं, शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रभारी अविनाश पांडे, सचिन जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इसके भीलवाड़ा, राजसमंद की जो सीटें हैं, जयपुर ग्रामीण की जो सीटें, इसके साथ ही अजमेर की, ये जो तमाम सीटें हैं, जो अभी इस पर कुछ भी जो है क्लियर नहीं हो पाया। जिस तरीके से पीसी की बैठक में कल सिंगल पैनल के नाम मांगे गए थे, लेकिन अभी तक सिंगल पैनल नाम यानी कि सर्वसहमति से एक नाम जो है उस पर मोहर नहीं लग पाई है। यही वजह है कि कल सूची में इनको रोक लिया गया। कल इस पे एक बार आज फिर से विचार किया जाएगा। जिस तरीके से कल राहुल गांधी के सामने इन सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई, 30 सदस्यों ने 2 से 3 नामों में से किसी एक को नहीं चुना, ऐसे में आज फिर से इन सीटों पर विचार किया जाएगा। अजमेर की सीट पे ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सर्वे कराया गया था मुख्यमंत्री की ओर से और राहुल गांधी की ओर से और कैंडिडेट्स की को लेकर जो भी सुझाया गया था, स्क्रीनिंग कमेटी के का जो नाम दिए गए थे, उसमें कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया। यही वजह है कि अजमेर की सीट पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। तमाम स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य यहाँ मौजूद रहेंगे, सचिव मौजूद रहेंगे, उस पर एक बार फिर से चर्चा होगी। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम तक जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो पीसी को अपने नाम फाइनल करके भेज देगी। जो बाकी की लिस्टें हैं वो देर रात तक आने की उम्मीद लगाई जा रही है। ज्योति प्रीत, कौन सी सीट पर पेच फंस सकता है आज इस बैठक में मंत्रणा के दौरान? देखिए, भीलवाड़ा, राजसमंद और जयपुर ग्रामीण की जो सीट है इसको लेके अभी भी चर्चा का एक दौर बाकी है। अजमेर की सीट पे सर्वे कराया जा रहा है एक बार फिर से मुख्यमंत्री की ओर से। कुछ नामों को जो है रखा गया था कल पीसी बैठक में, उन पे फिर से विचार किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ तय किया जाएगा। तो अभी एक दौर की और मंत्रणा बाकी है इन सीटों को लेके। और तमाम ये जो तीनों चारों सीटें हैं जिन पे कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई है, इन पे राजामंदी बाकी है अविनाश पांडे की ओर से, केसी वेणुगोपाल की ओर से। तो अभी फिलहाल इन चारों सीटों पर, पांचों सीटों पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा, उसके बाद ही पीसी में इन नामों को भेजा जाएगा। जी प्रीत, बताएं कि आज बैठक के बाद क्या प्रोसेस रहेगा, कब तक संभावना है ये लिस्ट जारी होने की? देखिए, बैठक जो थी उम्मीद लगाई जा रही है कि 12:30 बजे बैठक शुरू होगी। हालांकि 12 बजे का समय दिया गया था मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन प्रभारी अविनाश पांडे उस समय उन्होंने थोड़ा उसको डिले कराया मीटिंग को। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 12:30 या करीब ये माना जाए कि 1 बजे ये बैठक शुरू हो सकती है और कम से कम 2 से 3 घंटे ये बैठक चलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं निष्कर्ष पे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य पहुंचेंगे और उसके बाद सहमति के लिए इन नामों को एक बार फिर से सीईसी सदस्यों के पास भेजा जाएगा। ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में राहुल गांधी से भी एक बार मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे पार्टी पहुंचेगी। और देर रात तक उम्मीद लगाई जा रही है, देर रात या कल नामों का ऐलान किया जा सकता है बाकी के।
जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें कि कांग्रेस की आज अहम बैठक होनी है, जिसमें जयपुर ग्रामीण सहित 6 अन्य सीटों पर मंत्रणा की जाएगी।